तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम है राधे और मैं आज आप सभी के साथ चालू करने जा रहा हूं सोयल मैकेनिक्स का दूसरा लेक्चर, यानी कि दूसरा टॉपिक, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिजिन एंड नेचर ऑफ सोइल। इससे पहले मैं यहां पर आपको बता दूं, अगर आपने हमारा पहला वीडियो ना देख रखा हो, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सोइल, तो मैंने वहां पर आपको बताया है कि सोइल क्या है और सोइल की यूजेस किस तरह से सिविल इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी वहां पर डिस्कस किए गए हैं। तो मैं वो वीडियो को यहां पर आई बटन में डाल दूंगा और साथ ही साथ उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों यहां पर ओरिजिन एंड नेचर ऑफ सोइल, यानी कि सोइल की शुरुआत, यानी कि उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, शुरुआत कहां से हुआ है, और साथ ही साथ यहां पर नेचर, यानी कि उसके अंदर के स्वरूप क्या क्या है, टाइप क्या क्या है, वो भी हम आगे जानने का ट्राई करेंगे। तो पहले बात करते हैं दोस्तों ओरिजिन के बारे में। तो ओरिजिन के लिए यहां पर है सोइल फॉर्मेशन इन जियोलॉजिकल साइकिल, यानी कि जो सोइल बनना है वो एक प्रोसेस की मदद से हम देखेंगे, एक उसका साइकिल है, वो है हमारा यहां पर जियोलॉजिकल साइकिल। तो ये जियोलॉजिकल साइकिल किस तरह से बनता है, क्या क्या इसमें जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो भी देखेंगे हम। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, सोइल आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन व्हेन अ रॉक सरफेस गेट्स एक्सपोज्ड टू एटमोस्फियर फॉर अन एप्लीकेबल टाइम। यहाँ पर क्या कहना चाहता है दोस्तों, जो सोइल का फॉर्मेशन है, यानी कि सोइल्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि जो रॉक्स का वेदरिंग हो, यानी कि वेदरिंग को दूसरी भाषा में कहते हैं इरोजन। जब सोइल का यहां पर इरोजन होना चालू होता है किसकी वजह से, तो यहां पर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन। मैकेनिकल को यहां पर फिजिकल भी कहते हैं, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन आप कहो तो भी चलेगा, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन की वजह से, कब, जब व्हेन अ रॉक सरफेस गेट एक्सपोज टू एटमोस्फियर फॉर अन एप्लीकेबल टाइम। एक एप्लीकेबल टाइम के लिए एटमोस्फियर में जब रॉक्स खुला हो, यानी कि एक्सपोज्ड हो, बराबर, तो वो एक एप्लीकेबल टाइम, ऐसा नहीं कि एक दिन, दो दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, नहीं, वो हजारों साल की प्रक्रिया रहती है। यानी कि 10,000 साल, 20,000 साल के लिए रॉक को छोड़ दिया जाए और उसके ऊपर जब प्रोसेस हो, बराबर, प्रोसेस होना चालू हो, किसका, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो, केमिकल डिकम्पोजिशन हो, और जब वो प्रोसेस बन करके जब उसका यहाँ पर डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोजिशन हो जाए इंटू स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर में, और जो स्मॉल पार्टिकल्स हमें मिलेंगे उसको कहेंगे हम सोइल, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स आर दो सोइल्स आर फॉर्म्ड, बराबर, स्मॉल पार्टिकल्स एंड दो सोइल्स आर फॉर्म्ड, जो हमारा यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उसको हम कहेंगे यहाँ पर सोइल। अब यहाँ पर बात करें ये जियोलॉजिकल साइकिल क्या है, तो जियोलॉजिकल साइकिल को मैंने यहाँ पर एक पिक की मदद से समझाने का ट्राई किया है। समझते हैं दोस्तों, इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें खाली यहाँ पर चार ही पॉइंट आते हैं, छोटे छोटे, यानी कि चार ही स्टेज आते हैं, उसकी मदद से हमारा ये जियोलॉजिकल साइकिल पूरा हो जाता है। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र, छठी क्लास में आता था, तो उसी तरह से इसका भी वही फॉर्म है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, राइट। तो यहां पर हम देखें थोड़ा सा, पहला आता है हमारे यहां पर इरोजन, जिसको हम कहते हैं वेदरिंग, और दूसरा आता है यहां पर ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा आता है हमारे यहां पर डिपोजिशन, और चौथा आता है हमारे यहां पर अपहीवल। यानी कि पहले होगा हमारा कोई भी यहां पर पहाड़ ले लो, या फिर बड़ा सा रॉक्स ले लो, जिस तरह से रॉक्स की बात की गई है यहां पर डेफिनेशन में, तो रॉक्स कहां पर मिलेंगे आपको, पहाड़ी एरिया में ज्यादा मिलेंगे आपको, राइट। तो पहाड़ से जब रॉक्स, यहां पर जो पहाड़ पर रॉक्स रहते हैं उनका क्या होता है, इरोजन होना चालू होता है, वेदरिंग होना चालू होता है, राइट। वेदरिंग होने के बाद वो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं बाय एयर की मदद से कह लो, या फिर बाय अपना विंड की मदद से, या फिर वाटर की मदद से, या फिर आइस की मदद से, वो ट्रांसपोर्टेशन होना चालू होते हैं, और डिपोजिशन होते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल, कोई भी जा रहा है, जैसे कि एक पर्सन का एग्जांपल ले लूं, तो एक जगह से निकला है तो वो ट्रैवलिंग करेगा, ट्रैवलिंग करने के बाद कहीं ना कहीं जाकर के फिर से रुकेगा, तो उस तरह से सोइल भी है, उसका इरोजन होना चालू हुआ, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रक्रिया चालू हुई, फिर वो डिपोजिट होना चालू, वहां पर रुकना चालू हुआ, रुक के फिर से एक अपहीवल तैयार करने लगा, यानी कि एक फिर से पहाड़, माउंटेन टाइप बनने लगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे यहां पर जियोलॉजिकल साइकिल। तो हमें याद क्या करना है, बस खाली हमें इतना ही याद रखना है दोस्तों कि हमारा पहला आएगा यहां पर इरोजन, दूसरा आएगा हमारा यहां पर ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा आएगा हमारा यहां पर डिपोजिशन, और चौथा आएगा हमारा यहां पर अपहीवल। अब इसके बाद आगे की ओर चलें, तो आगे की ओर आता है हमारा यहां पर इरोजन, यानी कि वेदरिंग। वेदरिंग किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसकी भी डेफिनेशन बहुत अच्छी है और पेपर में भी पूछ ली जाती है कभी कभी। यहां पर क्या कहना चाहता है कि द प्रोसेस बाय विच अ रॉक मास इज डिसइंटीग्रेटेड इनटू पार्टिकुलेटेड मटीरियल इज टर्म्ड एज वेदरिंग। यहां पर क्या कहना चाहता है दोस्तों, जो प्रोसेस है किसका, रॉक मास का, किसका, रॉक मास का, रॉक मास का किसमें होता है, यहां पर डिसइंटीग्रेटेड होता है किसमें, इनटू
पार्टिकुलेटेड मटेरियल, पार्टिकुलेटेड यानी कि छोटे छोटे कण के अंदर जो इसका मटेरियल बदलाव होता है उसको हम, उस टर्म को हम क्या कहेंगे यहां पर, वेदरिंग यानी कि इरोजन, राइट। अब इरोजन के भी यहां पर टाइप है दोस्तों, ऐसे ही नहीं हो जाता है जिस तरह से यहां पर डेफिनेशन में हमने देखा। यहां पर इरोजन होने के कौन से दो फैक्टर थे, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन। तो उस तरह से दोस्तों यहां पर देखे तो यहां पर वेदरिंग के दो टाइप है, मैकेनिकल यानी कि फिजिकल वेदरिंग और दूसरा आता है हमारे यहाँ पर केमिकल वेदरिंग। तो यहाँ पर इसके भी यहाँ पर टाइप निकलते हैं यानी कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आर, इसके भी कुछ फैक्टिकल फैक्टर यहाँ पर निकल करके सामने आते हैं। पहला आएगा टेम्परेचर चेंजेस, यहाँ पर दूसरा आएगा वेदरिंग एक्शन ऑफ आइस, तीसरा आएगा हमारा यहाँ पर स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स और प्लांट्स, और यहाँ पर चौथा आएगा हमारा यहाँ पर एब्रेशन। और इसके बाद बात करूँ केमिकल वेदरिंग के अंदर में, तो केमिकल वेदरिंग के अंदर आएगा हमारा यहाँ पर हाइड्रेशन, और इसके बाद आएगा दूसरा यहाँ पर कार्बोनेशन, तीसरा आएगा हमारे यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और चौथा आएगा हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन। तो पहले आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल वेदरिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना रखा है आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से, यानी कि कभी कभी एक दो मार्क्स के लिए पूछ लें तो हम यहाँ पर लिख सकें, बराबर। अगर मैं तेज जाऊं तो दोस्तों बताना कमेंट में, आपका कमेंट मुझे बहुत मैटर करता है मेरी वीडियो बनाने में। आपका कमेंट, लाइक और आपका सजेशन कहीं भी देना हो, इंस्टाग्राम या फिर आपको यूट्यूब की कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे फुल दीजिए ताकि मैं समझूं आप क्या बताना चाहते हैं, राइट। तो अगर मैं तेज जा रहा हूं, कुछ बदलाव हो, कुछ चेंजेस करना हो, कुछ सजेशन हो आपका, तो जरूर दीजिए, क्योंकि मैं कोई एक सर नहीं हूं, मैं आपकी तरह आपकी हम उम्र का एक लड़का हूं जो सिखाने का ट्राई करता है अपनी भाषाओं में, राइट। तो अगर आपको कोई सजेशन हो तो मैं उसको भी ऐड करने का ट्राई करूंगा ताकि और भी हमारे जो भी भाइयों हैं उनको समझने और सीखने में इजी हो। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा यहाँ पर है, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स चला गया मैं, ये हमारा बात करते हैं। बॉक्स के अंदर मैंने तीन पॉइंट ले रखा है, कोहेशन लेस सोइल यानी कि सेंड, सेंड को कोहेशन लेस, कोहेशन लेस सोइल क्यों कहेंगे, तो थोड़ा सा कोहेशन और एडिशन के बारे में जानने की ट्राई करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने हाइड्रोलिक्स का जब मैं लेक्चर ले रहा था, उसका ज्यादा तो नहीं ले पाया, उसको भी कंटिन्यू करेंगे, तो उसके मैंने एक दो तीन लेक्चर लिए होंगे, उसके अंदर मैंने कोहेशन और एडिशन के बारे में बातचीत की थी, राइट। तो कोहेशन क्या होता है दोस्तों, जो जिसकी सेम पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो, जैसे कि मर्क्यूरी का मैंने एग्जांपल दिया था, राइट। तो मर्क्यूरी के सेम पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन पाए जाते हैं, तो वो जो अट्रैक्शन है उसको कहेंगे कोहेशन, सेम पार्टिकल्स के बीच में। और अलग अलग पार्टिकल, जैसे कि आपने फेविकोल का एग्जांपल देखा होगा, तो लकड़ी के साथ या फिर कहीं और ज्वाइंट करना हो तो हम फेविकोल का यूज करते हैं, तो वो अलग अलग पार्टिकल है, लकड़ी और फेविकोल दोनों अलग चीज है, उन दोनों के बीच में जब अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता है तो उसको कहेंगे हम यहाँ पर एडेशन। तो दोस्तों यहां पर क्या लिखा है, कोहेशन लेस सोइल, किसका नाम लिया है, सैंड का। तो सैंड आपको जाहिर तौर पर पता होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में कभी भी सैंड चिपके गए नहीं, उसके दाने दाने पार्ट्स हमेशा अलग अलग रहते हैं, सैंडी, बराबर, सैंडी सोइल आपने देखा होगा रेगिस्तान में, राइट। तो ये जो पार्ट्स हैं उसको कोहेशन लेस सोइल कहा जाता है। तो उसका क्या लिखा है यहां पर, आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल वेदरिंग, और ये हमेशा फॉर्म्ड यानी कि बनेंगे किसकी मदद से, फिजिकल वेदरिंग की मदद से, राइट। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी यहाँ पर सेंड है वो हवा के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होगी या फिर पानी की मदद से ट्रांसपोर्ट होगी, सब सारे हमारे नेचुरल मतलब नेचुरल पार्ट्स है, जैसे कि एयर हो गया, इसके बाद हम बात करें तो फिर इसके बाद वाटर हो गया, आइस हो गया, ये सारी प्रोसेस हमारी नेचुरली होती है, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कोहेसिव सोइल, लाइक दैट क्ले, क्ले के एक दूसरे के पार्टिकल सारे चिपके हुए रहते हैं, एक दूसरे के बीच में जॉइंट उनकी पूरी पैक्ड रहती है, आपने देखा होगा, तो यहां पर इमेज की मदद से भी आप देख पा रहे होंगे, राइट। तो इस तरह से क्ले जो हो गया हमारा, क्ले आर फॉर्म्ड बाय केमिकल वेदरिंग, इसके अंदर केमिकल वेदरिंग होता है, हाइड्रेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जिस तरह से हमने यहां पर पढ़ा, राइट। फिर इसके बाद हमारा यहां पर क्या क्या होगा, कार्बोनेशन हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है, तो इस तरह की इसके अंदर की प्रक्रिया होगी, तब यहां पर क्या होगा, इसका बनने का प्रक्रिया होगा, तो यहां पर इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन होगा, बराबर, डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर वेदरिंग होगा इसकी मदद से, राइट। अब इसके बाद आगे चलें तो आगे हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, सोइल फॉर्म्ड बाय वेदरिंग एक्शन गेट डिपॉजिट ऑन द पेरेंट रॉक, सच टाइप ऑफ सोइल आर कॉल्ड रेसिड्यूअल सोइल। और यहाँ पर ये कहना चाहता है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये कहना चाहता है कि जो हमारा यहाँ पर रॉक्स हो जिसका वेदरिंग एक्शन हो जाए और उसका डिपॉजिट उसके पेरेंट रॉक पे ही हो, पेरेंट रॉक यानी कि मान के चलते हैं कि सेम रॉक से उसने टूटना चालू किया और उसी रॉक के ऊपर वो रह गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया, तो उस सोइल को हम कहेंगे यहाँ पर रेसिड्यूअल सोइल। और रेसिड्यूअल का एक मैं छोटा सा मतलब एग्जांपल या फिर एक कहूँ तो हिंट देना चाहूंगा कि जिस तरह से कोई भी पर्सन या फिर कोई भी फॉर्म में आपने देखा होगा तो लिखा रहता है कि आपका रेसिडेंशियल एड्रेस बताइए, तो उस तरह से रेसिडेंशियल एड्रेस यानी कि हमारा जो खुद का घर हो यानी कि जो हमारा मेन प्रॉपर्टी हम उसका बताते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर रेसिड्यूअल सोइल यानी कि जिस रॉक से निकला है उसी रॉक पर रह गया, यानी कि उसका रेसिडेंशियल जो रॉक था, मेन रॉक था जिससे वो निकला था,
तो उस रॉक को हम यहां पर यानी कि उस सॉइल को हम यहां पर कहेंगे रेसिड्यूअल सॉइल। तो इस तरह से था हमारा यहां पर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा फिजिकल वेदरिंग के बारे में समझने का ट्राई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सच में मुझे लग रहा है मैं तेज जा रहा हूं, मैं ट्राई करूंगा धीरे करने के लिए। अभी हमारा यहां पर फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग क्या कहता है दोस्तों, कि द प्रोसेस बाय विच रॉक डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर पार्टी स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ड्यू टू फैक्टर लाइक टेम्परेचर चेंजेस, वेदरिंग एक्शन ऑफ आइस, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स और प्लांट्स, एब्रेशन एक्सेट्रा विदाउट इन्वॉल्विंग एनी चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। यहां पर कहना क्या चाहता है दोस्तों, जो हमारा फिजिकल वेदरिंग है वो किन किन मदद से उनका जो रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होगा, यहां पर टेम्परेचर चेंजेस, वेदरिंग एक्शन ऑफ आइस, फिर इसके बाद स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स और प्लांट्स, एब्रेशन यानी कि फ्रिक्शन लगना, इसमें अगर ये सारे जो प्रोसेस हैं और ये प्रोसेस कब यहाँ पर मतलब अचीव होंगी, इसके अंदर कोई भी इन्वॉल्विंग नहीं होना चाहिए, मतलब इन्वॉल्विंग यानी कि कोई भी अलग से इसके अंदर हमें ना यूज करना पड़े, ये नेचुरली होती रहे, बराबर नेचुरली प्रॉपर्टी से होती रहे। तो इस टाइप का जो यहाँ पर वेदरिंग होगा उसको कहेंगे हम फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, राइट। अब इसके बाद आगे चलते हैं, फिजिकल वेदरिंग में भी कौन कौन सा टाइप है थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, राइट। तो पहला आता है यहाँ पर टेम्परेचर चेंजेस। तो टेम्परेचर चेंजेस की बात करूं तो आपको जस्ट एग्जांपल में यहाँ पर ऐसे ही बताना चाहूंगा, आपने स्टील का देखा होगा, स्टील में हम जिस तरह से स्टील को गर्म करते हैं तो एक्सपांसन होता है, ठंडा करते हैं तो सिकुड़ता है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो प्रोसेस है लाइक टेम्परेचर की वजह से होता है, राइट। तो ये जो हमारा यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है ये हमारा टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। तो उसी तरह से रॉक्स भी है, रॉक्स के अंदर यहाँ पर क्या रहता है, डिफरेंट मिनरल्स आए होते हैं। तो डिफरेंट मिनरल्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स के अंदर होने वाले जो प्रोसेस हैं किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, यानी कि कभी गर्मी लगे, यानी कि गर्म का सीजन हो तो गर्म हो रॉक्स और उसके अंदर क्या मिनरल्स के अंदर में बदलाव आए तो वो फैलने का ट्राई करे, और ठंडी में वो क्या होगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होने की ट्राई करेगा, बराबर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन यही दो चीज होगा। तो जब ये दोनों प्रोसेस होंगी और इन दोनों प्रोसेस की वजह से जो इसके अंदर स्ट्रेसेस उत्पन्न होंगी, बराबर रिजल्टिंग इन स्ट्रेसेस इन रॉक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक पार्टिकल्स, और इनकी वजह से क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा किसका, रॉक्स पार्टिकल्स का। तो ये जो प्रोसेस होगा उसको कहेंगे हम टेम्परेचर चेंजेस, बराबर किसमें, हमारा फिजिकल वेदरिंग में। तो इस तरह से देख सकते हो यहां पर ये बदलाव आ जाते हैं, यहां पर फट जाता है यहां पर, राइट। यहाँ पर रॉक्स के यहाँ पर तिराड़ आ जाते हैं, यहाँ पर इसके अंदर क्या आ जाते हैं, क्रैक्स डेवलप्ड हो जाते हैं, राइट। अब जब ये क्रैक्स हो गए तो अब जब क्रैक्स के अंदर जब पानी भरने लगेगा बारिश की सीजन में, और जब वो बारिश के सीजन में पानी वानी भर जाएगा और जब जमने का ट्राई करेगा, बर्फ बनने का ट्राई करेगा, और बर्फ बन करके जब वो फटने का यानी कि फटेगा, क्यों फटेगा, आपको पता होगा कि पानी के मुकाबला में जो बर्फ है वो ज्यादा जगह घेरेगा, जब ज्यादा जगह घेरने की ट्राई करेगा तो वो जो क्रैक्स है उसको बढ़ाएगा, और जब क्रैक्स को बढ़ाएगा तो रॉक्स को तोड़ देगा। तो ये जो होने की प्रक्रिया है उसको कहेंगे हम वेदरिंग एक्शन ऑफ आइस। ये इसमें आप देखने को यहां पर आपको मिल सकता है। यहां पर जरा इसकी डेफिनेशन की बात कर लें तो यहां पर कहता है कि वेदरिंग एक्शन ऑफ आइस इन कोल्ड क्लाइमेट वाटर हेल्ड इन द पोर्स, बराबर क्या कहना चाहता है यहां पर, जब यहां पर हमारा कोल्ड क्लाइमेट रहता है, ठंडी की सीजन रहती है, तो उसके अंदर जो इसकी पोर्स यानी कि जो इसकी दरारें हैं यानी कि जो इनकी क्रैक्स है उसके अंदर जब यहां पर पोर्स करता है क्या वाटर, तो यहां पर क्या होता है वो जमने की ट्राई करता है, बराबर। तो यहां पर क्या लिखा है, क्रैक्स ऑफ अ रॉक गेट्स फ्रोजन, बराबर फ्रोजन यानी कि जब वो फ्रीजिंग हो जाता है, फ्रीजिंग होने के बाद यहां पर जब बर्फ उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो वो तोड़ने की ट्राई करता है, राइट। तो एज द यहां पर लिखा है एज द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड स्ट्रेसेस एंड डेवलप्ड इन द रॉक्स कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, और इस तरह से जब वो स्ट्रेस डेवलप्ड करता है और डेवलप्ड होने के बाद जो उसका डिसइंटीग्रेशन होता है उसको कहेंगे हम यहां पर वेदरिंग एक्शन ऑफ आइस। आगे की ओर बढ़े तो आगे की ओर दोस्तों आता है यहां पर स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि यहां पर जो रूट्स हैं प्लांट्स हैं यानी कि पेड़ पौधे हैं उनकी जब फैलने की मात्रा यानी कि बढ़ने की मात्रा पर जब यहां पर हो तो वो जब यहां पर रॉक्स को तोड़ देती हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स। यहां पर मैं समझाने का ट्राई करूंगा, जब पेड़ पौधे छोटे रहते तो आपने देखा होगा पत्थर के आजू बाजू से निकलते हैं, राइट। जब वो निकलते हैं तो उसकी जड़ें फैलने लगती है, जड़ें फैलने यानी कि रूट्स फैलने लगते हैं, और इसके बाद रूट्स फैलने के बाद ट्रंक्स यानी कि उसके तना भी फैलने का ट्राई करते हैं। जब फैलते हैं और जब कोई रॉक के बीच से निकलते हैं तो उस चीज को वो तोड़ देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे यहां पर स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स। अब इसके बाद आगे की ओर बात करूं तो एब्रेशन यानी कि फ्रिक्शन, एक तरह से देखें तो दोस्तों विंड एयर और आइस
यानी कि ग्लेशियर, इन तीन तीन वजह से लगता है। देख सकते हो यहाँ पर लिखा है वाटर, विंड एंड ग्लेशियर मूवमेंट, बराबर ग्लेशियर मूव्स। तो यहाँ पर किस तरह से होता है प्रोसेस में बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो शेप बना हुआ है ये एयर की मदद से बना हुआ है, कंटिन्यूसली एयर का फ्लो होते 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 फ्रिक्शन लगते लगते यानी कि एब्रेशन लगते लगते तो यहाँ से वो पार्टिकल निकल गया है, राइट। तो ये जो प्रोसेस तैयार होता है बराबर, ये जो प्रोसेस हो रहा है एयर की मदद से हो रहा है। यहाँ पर देखो तो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है आइस का, ग्लेशियर का, यानी कि बर्फ का जब सीजन हो तो पूरा जो यहाँ पर अगर पानी आए, यहाँ पर नदी टाइप हो तो पानी आती हो तो फ्रीज हो जाती है, यानी कि फ्रीजिंग हो जाती है, यानी कि जम जाती है, राइट। तो जब वो जम जाती है, जमने के बाद जब उसका यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि ठंडी से जब वो गर्मी की सीजन में जाता है तो पिघलने का ट्राई होता है। तो आपने देखा होगा जब भी यहाँ पर उत्तराखंड साइड है, यानी कि ठंडियों के सीजन में तो जम तो जाता है बर्फ, लेकिन जैसे ही गर्मियों का सीजन चालू होता है तो लैंडस्केपिंग होना चालू होता है, यानी कि लैंड बड़े बड़े गिरते हैं पहाड़ियों सीजन में भी और गर्मियों के भी सीजन में भी। तो इसीलिए देखा होगा ठंडियों के सीजन में ज़्यादातर जो भी माउंटेन का हो गया, माउंटेन ट्रैवलिंग का हो गया सिस्टम वगैरह सरकार बंद कर देती है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो लैंडस्केपिंग का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसकी मदद से देखेंगे तो ये सोइल को भी तोड़ करके, यानी कि पत्थर को भी तोड़ते हुए नीचे तक लेकर आती है, और इनकी मदद से जहाँ पर रॉक्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो इस तरह से देखें तो टूटे तो क्या हुआ, सोइल बना, और सोइल बना मतलब कि ये इसमें भाग लेता है एब्रेशन, तो इसलिए इसका भी यहाँ पर रखा गया पॉइंट। तो यहाँ पर लिखा है एज अ वाटर विंड एंड ग्लेशियर मूव ओवर द सर्फेस ऑफ रॉक्स एब्रेशन एंड स्कोवरिंग टेक्स प्लेसिस इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। और ये जो इसका इसका रिजल्ट निकल करके आता है वो किसमें मदद करता है, फॉर्मेशन ऑफ सोइल में, राइट। तो इस तरह से आज की वीडियो हमने समझा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा क्योंकि मैं इससे ज्यादा लंबा नहीं लूंगा आज की वीडियो में। यहां पर हमने शुरुआत में समझा ओरिजिन, और ओरिजिन के बारे में किस तरह से सोइल का ओरिजिन होता है उसमें हमने यहां पर सीखा कि यहां पर एक साइकिल है जिसकी मदद से यहां पर सोइल तैयार होती है, वो है जियोलॉजिकल साइकिल, जिसमें चार पार्ट है, यहां पर इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और इसके बाद अपहीवल। इसमें हमने यहां पर इरोजन में आया, इरोजन में भी यहां पर दो टाइप, फिजिकल केमिकल, इसके भी यहां पर चार चार टाइप हमने देखे। तो यहां पर केमिकल का बाकी है, फिजिकल का यहां पर हमने देख लिया आज, टेम्परेचर किस तरह से, टेम्परेचर चेंजेस किस तरह से भाग लेता है, वेदरिंग एक्शन ऑफ आइस, फिर इसके बाद स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स, एब्रेशन। तो ये सारे चार पॉइंट्स को हमने अच्छी तरह से समझने का ट्राई किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक लाइक के मदद से जरूर बताएगा, और साथ ही साथ अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, मैं उसको ऐड करने का ट्राई करूंगा, और आगे की वीडियो में और भी कुछ हम इंप्रूवमेंट करने की ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।